जी नाज़रीन, दूसरे हाफ में भी दो गोल स्कोर किए रियल कश्मीर रिजर्व ने और फाइनली 4-0 की लीड लेकर इस मैच को अपने नाम कर दिया। पहले गोल्स पे नजर डालें, जो दो गोल्स आज के इस मैच के दूसरे हाफ में हुए, हालांकि 4 गोल कुल मिला के हुए, और जो दो गोल दूसरे हाफ में हुए, एक 55वें मिनट में, दूसरा 64वें मिनट में। ये गोल्स पहले हम देख लेते हैं। पहला गोल अतीब ने किया था 55वें मिनट में, पहला गोल हुआ, और दूसरा गोल 64वें मिनट में बासित ने किया। हालांकि बासित ने दो गोल स्कोर किए पहले हाफ में, पहला गोल तीसरे ही मिनट में, जिसने टीम को बूस्ट किया, जिसने टीम का मोरल अप कर दिया। ये जब सेकंड हाफ में रियल कश्मीर उतरी तो पहले से ही अटैकिंग फुटबॉल शुरू किया इन्होंने, तो पहले हाफ से इन्होंने दूसरा हाफ कंपेरेटिव बहुत अच्छा खेला। इसमें कुठवा टीम को इन्होंने मौका नहीं दिया, इन्होंने कि उनको संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो ओवरऑल उसी वजह से शायद दूसरे हाफ में टीम संभल ही नहीं पाई। यही है कि जो रियल कश्मीर ने सेकंड हाफ शुरू किया है, कि उम्मीद करते हैं कि ये वो कंटिन्यू करे जी, जो अगले मैचेस जैसा ही नेक्स्ट मैच आ जाएगा वो। ऑल दो जो उनके कन्वर्शंस नहीं हुए, बट जैसा कि हमने देखा होगा कि बासित से बहुत ज्यादा मिस होगी जी, मिस उससे इसलिए होगी क्योंकि वो आपने देखा होगा वो आगे हर एक जगह घूम रहे थे, चलो अगले मैच खेल रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा बहुत उसके हिसाब से डाल रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो उसके जो शॉट्स नहीं लग रहे थे आगे वो नहीं चलेगा। ये दूसरा गोल जो आज के सेकंड हाफ में, ये बड़ा ही खूबसूरत था, हालांकि पहले से बॉल मिस होगी के बाद दूसरे फॉर्म इसमें यही देखना है कि डेडिकेशन क्या है, कि वो कंटिन्यू एंड तक जा रहा है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बॉल को नहीं छोड़ा, और बाउंस भी पता है उनको कि कितनी बाउंस है इसमें। ये हम जब पहले बात कर रहे थे कि कोठवा को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बाउंस के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, ये बासित की एक एडवांटेज है कि वो लास्ट मोमेंट तक वो बॉल को फॉलो करते रहे हैं। ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। अब थोड़ा बहुत उनको ये इंप्रूव करना है, जो मिसेस कर रहे थे थोड़ा बहुत, जो एट लास्ट टाइम पे जब वो शॉट लेना होता थोड़ा बहुत उसमें वो कैजुअली जा रहे हैं, तो वो अगर अगले मैच में थोड़ा उसमें इंप्रूव कर देंगे ताकि ब्रैकेट की ओर जाए बाल, फिर देखते हैं गोलकीपर क्या करेंगे उसको। और आज इस मैच में दो गोल स्कोर किए बासित ने, जो कि कैप्टन भी हैं रियल कश्मीर रिजर्व्स के और आज के मैन ऑफ द मैच भी हैं। आइए चलते हैं फील्ड पर, जहां पर हमारे साथी आरिफ परे मौजूद हैं, बात करेंगे आज के मैन ऑफ द मैच से। शुक्रिया तबरेज। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियल कश्मीर रिजर्व्स के कैप्टन और आज के मैन ऑफ द मैच बासित। बासित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के मैच में हमने देखा कि आपका जो गोल कीपर है उसको खास कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक तरफ हमको मुकाबला दिखा, आप आज के मैन ऑफ द मैच आए, आपने जो है दो गोल बड़ी आसानी से दागे, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो लाइक जो दूसरी टीम थी कठुआ की टीम जी, वो बहुत यंग प्लेयर्स हैं, 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो इसलिए, और जो रिजर्व की टीम है वो काफ़ी लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे था नहीं आज के मैच में, बट अच्छा था जो भी था गेम, तो कोशिश करेंगे आगे भी जीतने की। हमने देखा कि उनके गोलकीपर ने काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत की, उन्होंने काफ़ी जो अच्छे खेल का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई गोल करने में जो है बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहे। आपके हिसाब से वैसे थे कप्तान, आपको क्या लगा कि कहाँ पर उनकी खामियाँ हुई? नहीं, खामी तो कोई नहीं, काफ़ी अच्छा खेल दिखाया उन्होंने भी, जैसे कि मैंने बोला कि वो काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं जी, बिल्कुल, तो इसलिए काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेलते हैं रिजर्व टीम में, तो इसलिए खामी कोई नहीं, बट थोड़ा एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस कम है इसलिए रहता है थोड़ा, और उनका जो कीपर था काफ़ी अच्छा खेला वो। नॉकआउट टूर्नामेंट है, कठुआ यूनाइटेड की जो टीम है वो बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर हुई, आपको आगे जाना है, लेकिन आपको लगा कि इस बार आपके सामने जो एक कमज़ोर टीम थी, लेकिन आगे आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको जो अपनी स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी पड़ेगी और टेक्निक्स भी चेंज करनी पड़ेगी आपको? नहीं, टेक्निक्स और स्ट्रेटजी तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बट इंशाल्लाह आगे जब कॉम्पिटिशन अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बासित, आप आज के मैन ऑफ द मैच आए, आप जो है कप्तान भी है रियल कश्मीर रिजर्व्स की, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे बासित हमारे साथ वापस। जी नाज़रीन, आपने देखा ये आज के मैन ऑफ द मैच बासित, जिन्होंने दो गोल स्कोर किए पहले हाफ में, पहला ही गोल जो शुरुआती गोल रहा और फिर दूसरा गोल भी करा, तो आज के इस मैच से बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का मैच मुकम्मल हो चुका, आप दोनों यहाँ आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दावत देने की और बाकी मजीद मैचेस पर हम बात करेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आज के मैच में तो बस इतना ही, इंशाल्लाह कल सुबह
10:45 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे कल के दो मैचेस लेकर। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।